हेलो गाइस स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल माय बेस्ट मेडिसिन रिव्यू में दोस्तों आज हम लोग एक न्यू मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सुखराल ओ सिरप राइट right, तो चलिए शुरू करते हैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी इसके बेनिफिट के बारे में बने रही मेरे साथ ताकि आपको इस मेडिसिन के बारे में हर एक जानकारी मिले लेकिन अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देते ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपको आगे भी मिलता रहे और मेरा भी मोटिवेशन बना रहे आपको कुछ आपका कुछ नहीं जाएगा बस मुझे अच्छा लगेगा कि आपने वीडियो लाइक किया शेयर किया सब्सक्राइब किया ताकि इस तरह के वीडियोज़ में आगे बनाता रहूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुक्राल ओ सिरप पहले मैं आपको बता दूँ इसकी एम जो है एम आर पी टू थर्टी सेवन रुपीज़ है और इस टू थर्टी सेवन रुपीज़ टू टू हंड्रेड एम की जो बोतल आती है उसकी है वो इसकी वन हंड्रेड एम की भी बोतल आती है और इसकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो है स्ट्रनबर्ग फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड राइट तो चलिए शुरू करते हैं आ, ये जो सिरप है पेट की बीमारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है स्पेशली पेट में छाले पड़ जाना आपने सुना होगा अल्सर हो जाना छाले पड़ना मतलब अल्सर हो जाना और इस तरह के बीमारियों के लिए यह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है अल्सर क्या होता है कि छोटी आँत के शुरुआती स्थान पर म्यूकल झिल्ली होने वाले छाले या घाव वहाँ पर हो जाता है इसको हम लोग पैप्टिक अल्सर या गेस्टिक अल्सर बोलते हैं गेस्ट्रिक अल्सर में भी यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो भी छोटी आंत आँट में आंतों में जो भी छाले हैं इसको सुखाने में ये सिरप बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है हेल्पफुल है अब मैं आपको बताऊँगा अल्सर होता क्या है और आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपको अल्सर है जैसे कि बार बार डकारे आना खाना खाने के बाद बार बार डकारे आना राइट पेट में दर्द सीने में जलन गरम पेय पीने के बाद जैसे चाय कॉफ़ी पीने के बाद आपको कंफर्टेबल फीलिंग नहीं होना आ, मल में खून आना या मल का रंग गहरा होना आ, इस तरह के लक्षण अल्सर हो सकते हैं हालांकि इसके दूसरे वजह से भी आपको इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं राइट इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको अल्सर ही है और आपको सुकराल ओ ही लेना है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही मेडिसिन ले सकते हैं स्पेशली पेट में गैस गैस क्यों बनता है कभी कभी क्या होता है आपका लाइफ स्टाइल कुछ अलग होता है जैसे सही समय में खाना नहीं खाना बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से आप सुबह का ब्रेकफास्ट या फिर दोपहर का लंच सही टाइम पे नहीं ले रहे हैं राइट एक रेगुलरिटी नहीं है डिसिप्लिन नहीं है या फिर आप बहुत ज़्यादा एल्कोहल ले रहे हैं या फिर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा धूम्रपान कर रहे हैं राइट और इस तरह के खा, या फिर खाली पेट रहना इस तरह के इस तरह से आपके गैस्ट्रिक अल्सर हो सकती है पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है पेट में जैसे गैस बनती है पेट में जैसे गैस बनती है तो आपके सीने में जलन हो जाता है पेट की गैस की वजह से कभी कभी पेट में भी दर्द होता है और इससे कभी कभी सिर भी भारी हो जाता है सिर में दर्द स्टार्ट हो जाता है आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है तनाव है खान पान में गड़बड़ी है तो भी आप अल्सर के शिकार हो सकते हैं बहुत ज़्यादा नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं धूम्रपान करते हैं इससे पेट में अम्ल बन जाता है और धीरे 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 एक पेट में छाले ना लाना शुरू हो जाता है पेट में छाले बन जाती है गैस के कारण बहुत ज़्यादा अम्ल एसिड के कारण पेट में छाले बन जाती है जिसको हम लोग अल्सर बोलते हैं तब इस तरह के रोगों के लिए यह सिरप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इस सिरप को लेने से नींद भी बहुत ज़्यादा आती है तो अगर आप ड्राइविंग कर रहे या ड्राइविंग करने वाले हैं तो सावधान रहें आपको नींद की प्रॉब्लम हो सकती है और एक चीज़ में आपको बता दूँ कभी कभी लोगों का सवाल आता है कि सुक्राल ओ सिरप लेने से कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है हालांकि ऐसा नहीं है कब्ज़ की दवा नहीं है कॉन्स्टिपेशन की दवा नहीं है हालांकि आपके मल मूत्र को ये सिरप साफ़ करता है और आपके पेट को साफ रखता है और आपको भूख खुल के लगती है और आपको फ्रेश भी महसूस होता है राइट right. इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इस दवाई के इस सिरप के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है फिर भी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है स्किन में और घबराहट सा महसूस हो सकता है थोड़ी बहुत ट्रबल हो सकता है ब्रीथिंग में सांस लेने में स्टमक आपका अपसेट हो सकता है या फिर आपको वॉमिटिंग हो सक सकती स्पेशली खाना खाने के बाद तब आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें फिर इस मेडिसिन को कंटिन्यू करें अब मैं बता दूं आपको किसको इस आ, मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए सिरप को नहीं लेना चाहिए जिनको किडनी की प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं या जिसको यूरिनरी प्रॉब्लम है पेशाब में कोई दिक्कत है हाई ब्लड प्रेशर है लीवर में कुछ प्रॉब्लम है स्टमक संबंधी पहले से कोई प्रॉब्लम है एलर्जिक प्रॉब्लम है डायबिटीज़ है मैंने आपको बताया हाई ब्लड प्रेशर है इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं तो फिर प्लीज़ एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें और ख़ुद ही मतलब सेल्फ मेडिसिन ना ले खुद ही मेडिसिन ना ले डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इस मेडिसिन को कंटिन्यू करें दूसरी बात प्रेगनेंसी के टाइम या फिर आप प्लान कर रहे प्रेगनेंसी की या फिर आप अपने आप अपने बच्चों को लेक्टस मीनस दूध पिलाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं या बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर ले लें फिर मैं आपको बताऊंगा इसके कंटेंट के बारे में इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है इसमें क्या क्या मिला हुआ है इसमें जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है आपका सुक्रालफेट और ऑक्सीटायरन और राइट दो तो जो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है अल्सर के लिए और मैं आपको बता दूँ इसके डोजेस के बारे में कब आपको लेना चाहिए आपको कोशिश करना चाहिए कि एक खाली पेट मतलब खाना खाने के जस्ट एक घंटा या डेढ़ घंटा दो घंटा पहले आप इसको ले ताकि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो एडल्ट इसको दिन में दो बार सुबह शाम दो चम्मच ले सकते हैं और पानी के साथ या पानी के बिना लेकिन लेने से पहले आप बोतल को जरूर सेक करें ताकि पूरी मेडिसिन में जो इन्ग्रीडियट्स है मिक्सअप हो जाए राइट और आपको इसके बाद और जो, जो बच्चे हैं मतलब पंद्रह साल से छोटे हैं वो एक चम्मच ले सकते हैं एडल्ट के लिए दो चम्मच बच्चे के लिए एक चम्मच हालांकि बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें इस तरह के मेडिसिन देने से पहले खुद ही सेल्फ मेडिसिन ना लें तो ये था आज का वीडियो सुकराल ओ जो आपकी ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी स्टमक अल्सर और हार्ट बर्न के लिए जैसे मैंने आपको बताया पूरी वीडियो में इस तरह के बीमारी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है लाइक का बटन ज़रूर दबाएं शेयर करें और भी लोगों को बताएं ताकि दूसरों को भी फायदे हो और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए अच्छा रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद